नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम। मैं हूँ अमृता रायचंद और आप सबका स्वागत है मम्मी का मैजिक में, इंडियाज ओनली फूड शो, जहाँ होती है सेहत और टेस्ट की परफेक्ट जुगलबंदी। बाय द वे, आपने कभी मकड़ी खाई है? नहीं खाई, कोई बात नहीं, आज खिला देते हैं। घबराइए नहीं, मैं आपको रियल स्पाइडर्स नहीं खिलाने वाली हूँ, मैं खिलाने वाली हूँ आपको चॉकलेटी क्रंची यमी स्पाइडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं इस आसान एंड क्रिएटिव रेसिपी को। सबसे पहले आप एक कढ़ाई में ढेर सारा तेल डालिए और उसे गैस पे रख के ऑन कर दीजिए, और दूसरी तरफ हम रख देंगे एक सॉस पैन में ढेर सारा पानी। इसे उबलने देंगे क्योंकि हमें चॉकलेट को मेल्ट करना है, और वो हम करेंगे डबल बॉइलिंग मेथड से। इसमें हम फ्राई करेंगे नूडल्स। अलग अलग किस्म के नूडल्स मिलते हैं, चॉपसी नूडल्स होते हैं, प्लेन नूडल्स होते हैं, हाका नूडल्स होते हैं। आप थोड़ा हेल्दियर वर्जन चाहें तो होल व्हीट नूडल्स भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलराइट, तो ये नूडल्स लीजिए, इन्हें तोड़ लीजिए। जैसे ही तेल थोड़ा गर्म हो जाए इसमें सारे नूडल्स डाल देते हैं। आराम से डालिएगा, तेल गर्म है तो छींटे आपके ऊपर नहीं पड़ने चाहिए। पहले इसे थोड़ी देर फ्राई होने देते हैं। बेसिकली इसका कलर सुंदर सा सुनहरी कलर हो जाना चाहिए, और जब तक ये फ्राई हो रहा है हम जो चॉकलेट के पीसेस हैं उसे एक बड़े बोल में डाल के उबलते हुए पानी के अंदर डबल बॉयल होने के लिए डाल देंगे, इस तरह से। अब ये डबल बॉयलर मेथड से चॉकलेट मेल्ट हो जाएगा। और ये फ्राई हो गए हैं नूडल्स, अच्छा कलर आ गया है। चॉकलेट भी अच्छे से मेल्ट हो रहा है। आप एक स्पून की हेल्प से थोड़ा सा स्टर करते रहिए। इट्स डन। अब जो नूडल्स हमने फ्राई किए हैं उन्हें हम डाल देंगे इस चॉकलेट सॉस के अंदर। आप इसे थोड़ा क्रश कर लीजिए इस तरह से। जितना चॉकलेट सॉस है उतना ही नूडल्स भी होना चाहिए। अब आप एक फोक की हेल्प ले सकते हैं और इसे अच्छे तरह से मिक्स कीजिए ताकि पूरी तरह से चॉकलेट सॉस इन नूडल्स पे कोट हो जाए। ओके, नाउ द मैजिक बिगिंस। आप एक ट्रे में बटर पेपर लगाइए और फिर एक स्पून और फोक की हेल्प से इसे इस तरह से उठाइए। एंड देन जस्ट प्लेस इट लाइक दिस, लाइक अ बिग ब्लॉब। ओके, पहले से थोड़े से लंबे वाले नूडल्स अलग से फ्राई किए थे ताकि स्पाइडर के जो लेग्स हैं वो हम थोड़ा स्पेसिफाई कर सकें, उसे अलग से बना सकें, और इस तरह से लगा दीजिए। अब आप लीजिए जेम्स और हम बनाएंगे स्पाइडर की आंखें। कूल। इसी तरह आप सारे स्पाइडर्स को डेकोरेट कर लीजिए, सभी की आंखें बना दीजिए। well, अब मैं इन्हें रख दूंगी फ्रिज में चिल होने के लिए करीब 15 से 20 मिनट के लिए। ऑलराइट, तैयार है ये यमी चॉकलेटी स्पाइडर्स। इन्हें आप अपने बच्चों के पार्टीज में सर्व करके तो देखिए, देखिए बच्चे झट से इन्हें कैसे खा लेते हैं। तो इस मजेदार रेसिपी को एक बार फिर से देखने के लिए लेट्स डू अ शॉर्ट रीकैप। चॉकलेट स्पाइडर्स बनाने के लिए 2 कप नूडल्स को गर्म कढ़ाई में डालकर डीप फ्राई करें और निकाल कर साइड में रख लें। अब एक पैन में पानी डालकर गर्म करें और बोल में 1 कप चॉकलेट डालकर उसे डबल बॉयलर की हेल्प से मेल्ट करें। फिर पैन से निकाल कर ठंडा कर लें। अब इस मेल्टेड चॉकलेट में फ्राइड नूडल्स को डालकर
अच्छे से मिला लें। अब एक कांटे और चम्मच की मदद से चॉकलेट और नूडल्स के इस मिक्सचर को एक बटर पेपर लाइंड बेकिंग ट्रे पर डाल दें। फाइनली इन स्पाइडर्स की आंखें बनाकर इसे डेकोरेट करें। इन स्पाइडर्स को 20 मिनट फ्रिज में रखकर सेट होने दें और चिल्ड सर्व करें। तो देखा आपने, मेरी जादुई छड़ी ने कैसे इन स्पाइडर्स को भी एक यम्मी मजेदार स्नैक बना दिया। आगे आगे देखिए ये मामी क्या क्या जादू चलाती है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।